यार दोस्तों मैं हमदा ये इसको पकड़ो यार, पकड़। ये क्या कर रहे हो तुम, कहाँ पर थे? वो खुला पड़ा है वहां से। अबे देखो तो सही यार, वो तो मैं अचानक आया तो मैंने देखा ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। भाई मुर्गे बच गए हमारे तो शुक्र है, मैं टाइम पर आ गया मेरे हिसाब से। देखो इसके लगी तो नहीं है, पता नहीं कब से लड़ रहे होंगे यहाँ पे, एक दूसरे को देख रहे थे। जाल में बंद कर दिया, जाल लगी नहीं है, देख लो फिर भी यार पकड़ेंगे नहीं, कहीं आगे पीछे कोई मार वार तो नहीं दिया उसके आगे, तो छोटा ही है, सेट है ना। बच गया भाई मुर्गा हमारा, बच गया। अचानक एकदम नजर पड़ी वो कहाँ है। तो यार ये जो मुर्गा है ना, ये नया मुर्गा नहीं आया कोई दोस्तों, ये आप लोगों को याद हो जिन्होंने मेरी वीडियो शुरू से देखे उन्हें शायद पता हो, जो हम गली में मुर्गे खोलते हैं ना दो, ये उनमें से एक मुर्गा है हमारा, ब्लैक वाला, और ब्लैक नहीं लाल और ब्लैक के शेड में है। ये देखें तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा मुर्गा है असील, पर यार उसके आगे ये बड़ा है बच्चे के आगे, तो इस वजह से ना वो मेरे हिसाब से शायद हमदा भाग गया वो इससे, है ना। वो अचानक हम ऊपर आए ना तो भाग गया। खैर से यार उसको हम ऊपर इसलिए लाए हुए थे दोस्तों क्योंकि धूप आ रही थी, तो हमदा लेकर आ गया था उसको थोड़ी बहुत धूप लगाने, और हमदा ने बोला यार इसको ऊपर लेकर आओ थोड़ा सेटअप चेक करते हैं दिखाते हैं। तो हमारे पास बड़ा काफ़ी हो गया है मुर्गा, देखें अच्छा खासा बड़ा हो गया है यार, फुल हो गया है ये तकरीबन। डरपोक अल्लाह की कसम, क्या हुआ तुम उसको खोल के भागे क्यों? तो यार हमारे सुल्तान से ना सब डरते हैं, हमजा भी डरता है, हत्ता क्या अंदाजा लगाओ, क्योंकि सुल्तान यार पीछे लगता है, सुल्तान की आदत बहुत गंदी है ये ना, मतलब वैसे नहीं पीछे लगता कि आपके पास पीछे लग गया तो लग गया, इसको सिर्फ अगर आप इसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो ये आपके काटेगा, अगर आप जैसे पकड़ रहे हो समझता है कि मेरे से ना कोई चीज़ लड़ने आ रही है, और हाथों का पाँवों का दुश्मन नहीं है इस वजह से। तो यार जल्दी जल्दी खा लो भाई तुम। तो यार इसका जो है सारा दाना हमजा ने खिला चुका है। हमजा दाना तुमने सारा खिला दिया क्या, जो गीला था इसका क्या कर रहे हो? चेक कर रहा था मैं। क्या चेक कर रहे थे? चेक किया था मैंने लड़ा के ऐसे। कब? अभी जो आए थे ना, तीन आए थे भाग के। हाँ उससे पहले। अबे तो ऐसे तो मत कर यार, बता दो सही तो तुमने लड़ाया है क्यों, ये खराब हो जाएगा यार मुर्गा। चेक करना होता। और ये क्या इसके पर कैसे उखड़े हैं? ये तो कुरीश कर रहा। तो ये पहले के नहीं है? नहीं नहीं कुरीश कर रहा, मतलब इसने मारा तो नहीं किसी ने? ये लगी है वाली। हाँ ये पंजा मारा होगा है ना। अबे तो ऐसे मत लड़ाया कर भाई, ये गले में आ जाते हैं ऐसे, और जानवर को भी यार नुकसान पहुंचता है, पर इनका कहना ये है। अभी डर गया तो ये भाग गया था क्या? तो यार इन लोगों का कहना है, हमदा बोलता है कि हम इसको अगर चेक नहीं करेंगे ऐसे थोड़ा बहुत, वो बोलते हैं क्या है कि अगर इनको लड़ाओ नहीं हल्का फुल्का तो ये कटखन्ने हो जाते हैं, जो दोस्तों काट रहे हैं ना ये इस वजह से काटते हैं, जैसे कि वो वाला मुर्गा है। अच्छा हमदा मेरे को किसी ने सुल्तान के लिए भी कहा था कि यार इसको आप लड़ाएं वरना ये आपके ना काटता रहेगा, तो इस वजह से मैंने काफ़ी लोगों ने मुझे सुना है कि इनको हल्का फुल्का चेक करा करें, मतलब दो तीन मुश्किल से एक मिनट के लिए आपने लड़ा दिया तो इनकी थोड़ी सी जो होती है ना काटने की आदत ख़त्म हो जाती है, तो भाई पक्का नहीं पता मेरे को तो। खैर से यार ये मुर्गा हमारा पता नहीं यार क्यों झाड़ रहा है अपने पर, बहुत ज़्यादा कर दिया इसने, मट्टी लाके है ना, बहुत ज़्यादा झाड़ दिया है, तुम्हें तो टाइम नहीं मिलता यार, सारा मेरे कंधों पर आया हुआ, सिर्फ एक जुम्मे का दिन होता है जिस दिन ये भाई साहब आके ये सारा संभालते हैं, वरना पाँच नहीं छः दिन मेरे सर पर ऐसा दिमाग घुमा हुआ होता है कि मैं क्या बताऊँ। तो आप भाई कैसे आए हो हैं काशु, क्या बताओ ना आपको कौन सा अच्छा लगता है, नहीं बता रहे? तो यार ये बच्चे भी आ जाते हैं छत पे और खूब मजे करते हैं मुर्गे मुर्गियों के साथ, और फिलहाल तो अभी इसके पीछे ये लग नहीं रहा है क्योंकि इसकी आदत ख़त्म हो गई है पीछे लगने की, जब से हमने इसको मुर्गी के साथ छोड़ा है, वरना ये छोटा चेतन ना अभी तक काशान को घूर चुका होता है, ये मुझे लग रहा है इसके पीछे लगेगा ये ये पीछे लगवाएंगे फिर सेट रहेंगे, मत करो अरे डरपोक इतना नहीं डरो, चलो जाओ खेलो वहाँ पे, चलो चलो चलो। तो यार एक चीज मैं दिखाऊं, तुमने एक चीज देखी हमदा, ये देखो वो जो है ना ऊपर वाली, अब पता नहीं मादी है नरे क्या है यार, वो सीटियों पे आती है, ये देखें दोस्तों बोलना शुरू कर देगी, ये देखें ये देखें, देखो बोल रही है, जब मैं यूं करूं ना गौर से सुनिएगा दोस्तों, ये देखिएगा ये देखें मेरी सीटी पे ये बोल ली है, पर ये जो है ना ये बहुत तेज है यार, ये डरता है ये उसको डरा देता है, तो यार ये टेम हो सकती थी हमारी अगर हम चाहते इजीली हो जाती, पर यार अब तो बड़ी हो गई है अब ये काटेगी, लेकिन यार आ
अगर मैं तुम लोगों को उस वक्त दिखाता ना दोस्तों, जब मैं छत पे था सुबह में, तो तुम लोग बोलते यार कितना किस तरीके से आई है। खैर मैं कल कोशिश करूंगा, अगर कल ये यहाँ पे बैठी हुई ना तो मैं तुम लोगों को लाजमी दिखाऊंगा कि किस तरीके से सीटियाँ बजाती है आके हमारी वजह से। और मुझे मोबाइल दूर रखना पड़ेगा थोड़ा, तो थोड़ा सा देख लेंगे किस तरीके से, लेकिन वो चीज़ मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा कि ये टेम हो सकती थी यार, पर हमने नहीं कर पाया, क्या कर सकते। तो यार वानिया भी आ गई है हमारे पास, और ये दोनों ना अब मिलके हमारे जितने परिंदे ना उनको बहुत तंग करते हैं यार ये बच्चे। ये देखें इसकी हरकतें। आज छोटा चेतन पागल हो जाएगा, वो भागता रहेगा। ये देखें, ओए नहीं नहीं काट लेगा, वो काट लेगा भाई। इसको डर ही नहीं लगता यार, इधर आओ। तुम्हें डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता जरा भी इनसे? अगर उसने काट लिया तो ये देखें, दोनों को डर नहीं लगता। छोटा चेतन बेचारा पागल हो जाएगा हमारे इनके चक्करों में। तो खैर से उसको अब बंद करते हैं यार, और हम दूसरे को खोल देते हैं। यार इन लोगों ने ना मेरी नाक में दम कर दिया बच्चों ने, यकीन मानो काम नहीं करने दे रहे। खैर से हमदा ने जो है छोटे डॉन की वाइफ को भी खोल दिया, वो देखें भाई, वो रही साथ छोटे डॉन के, छोटे डॉन की वाइफ को खोला छोटे चेतन के साथ। तो भाई ये मैं इसलिए लाया था, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब एक हमारे पास बंद हो गया भाई, ये जो नया हमदा, ये देखो नया परिंदा, सही है ना। इसको एक को हमने बंद कर दिया है और एक ये खुला हुआ है। और अब तुमने ज्यादा करा ना तो मैं सारे मुर्गे मुर्गियां साथ छोड़ दूंगा अंदर। यहाँ तो क्यों कर रही हो तंग? ये देखो अब ये ऐसे सही है। करोगे अंदर करोगे? हटाओ, अब समझ आ रही है, हटो चलो अब नहीं करना। अबे भाई बहुत तंग करते हैं यार कसम से। चलो यार ये रखते हैं इधर भाई। ये हमें इसलिए निकाले यार दोस्तों, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो अब हमें ना मुर्गे मुर्गियों को धूप दिलानी पड़ेगी लाजमी। क्योंकि यार वैसे भी मैं दिलाता था, पर अब ज़्यादा दिलानी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, चलो 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 उसके पास से हटो, वो उछलेगा। यार इसने अभी भी ना ये पूरा जाल गिरा दिया था, तो मुझे डर लग रहा है, और ये हाथ नहीं आएगा हमारे, क्योंकि ना थोड़ा डरता बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो खैर से मैं बता रहा था कि यार सर्दियों की ऐसे मैंने ये जाल निकाले, ताकि अल्लाह ना करे कि अब ठंड तेज एकदम आएगी ना, तो इनको हमें धूप दिलाना लाजमी पड़ेगी। क्या मसला हो गया? बंद कर दूं? चलो आओ जाली में बंद करूं आपको। चलो चलो कुर्सी पे बैठा दो, कुर्सी पे बैठा दो। तो फिर कुर्सी पे बैठो चुपचाप जाके। चलो तो यार दोस्तों अब जो है सारों को हमने खिला पिला के फारिग तो कर दिया है। हमदा जो है वो आटा बना रहा है, क्योंकि यार दाना जो है ना वो आज ज्यादा खिलाया ही नहीं। मैंने इनकी वीडियो बनाई है। किसकी वीडियो? ये ब्लैक, ये गिरे वाले को तो मैंने देख लिया था उस वक्त, तो तुम दे नहीं। ब्लैक वाले की किसके? इसी मोबाइल में बनाई है मेरे वाले में, वो तो मैंने तो देखा ही नहीं यार। कब मैं तुम नीचे देना उस टाइम मैंने मोबाइल में झांका तक नहीं, मुझे पता ही नहीं है, वीडियो भी बन गई मेरे मोबाइल में। और ये तुमने कब में करा कारनामा? जब तुम नीचे देखिए, तकरीबन तुम्हारे आने से पहले की है। पहले की है? चलो यार इसने लड़ा तो लिया, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई नहीं लड़ाने चाहिए। पर ये लोग बोलते हैं कि इनका काटना ना ऐसे ही ख़त्म होता है, कि थोड़ा बहुत इनका गुस्सा निकलवाएं, जो अंदर की एग्रेशन होती है ना उनको निकलवानी चाहिए, जो एंगर है ना इनके दिमाग का गुस्सा वो निकाल देना चाहिए, ताकि काटना छोड़ दें। खैर से तो दोस्तों यार ये थी आज की वीडियो, और शुक्र है कि हमारा जो वाला मुर्गा है ना गिरे वाला, वो आज टाइम पे हमें दिख गया तो बच गया। और जो हमदा की लड़ाई वाली जो ये बता रहे हैं कि यह बात सही है, कमेंट में लाजमी बताएं क्या लड़ाने से ये लोग काटना छोड़ देते हैं, तो ये मुझे कंफर्म बताएं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल गर्मी टॉप कल आपने सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।